हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फरवरी शुरू हो गई है, मध्य करीब आ गया है, बसंत ऋतु चल रही है और हमारे बगीचों में, हमारे टेरेस गार्डन में जो पौधे ठंड के मारे ठिठुर रहे थे, मौसम के परिवर्तन से अब उनमें फुटाव और फूल आने लग गए हैं। गर्मियाँ तो नहीं कहूँगी, हाँ टेम्परेचर थोड़ा राइज करने लग गया है, तो वो भी खुश हो रहे हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि इस फरवरी के महीने में हमको अपने बगीचे में क्या करना है और क्या करना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये महीना हमारे पौधों के लिए। क्योंकि इस समय क्या है कि हमारे जो पेरिनियल्स हैं दोस्तों, वो हमारे डॉर्मेंसी से बाहर निकल रहे हैं, तो हाउ कैन वी हेल्प देम, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं कि वो डॉर्मेंसी से बाहर आए और डॉर्मेंसी से बाहर आने के बाद उनसे हम बेहतर फ्लावरिंग किस तरह से ले सकें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मौसम में बदलाव आ रहा है, तो अब हमें गर्मियों की सब्जियाँ भी लगानी है ना, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कुछ आपका रहना जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम बोगनविला से। बोगनविला एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो कि डॉर्मेंसी में था और इसकी बहार जो है, छटा जो है, बहुत अच्छी लगती है बगीचे में। और इतना नॉन डिमांडिंग प्लांट है ये, कुछ नहीं मांगता है, पानी की भी इसको विशेष ज़रूरत नहीं होती है और धूप में खूब खिला रहता है, रंग बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अब आप देखने होंगे अपने पौधे में कि जाड़ों में इसकी पत्तियां करीब करीब सब झड़ गई थी, पत्तियां इनमें तकरीबन नहीं हैं। अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे फुटाव आने शुरू हो रहे हैं और मेरे में ये देखिए फूल भी आ गए हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करें कि हमारे पौधे में खूब अच्छी तरह से भर के फरवरी ऑनवर्ड्स फूल आने लग जाएं। ये देखिए शुरुआत हो गई है, ये थोड़े थोड़े इसमें सब जगह फुटाव ये आने लग गए हैं, कलर आपको दिखने लगा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, सॉइल में 2 इंच की मिट्टी आप निकाल लेंगे। वैसे तो ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहें तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है, आपने पिछले साल कर ली है, तो आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं इसकी। इसके लिए आप इसकी 2 इंच मिट्टी निकाल लीजिए और आपकी जो कंपोस्ट है, होममेड वेस्ट कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, कोई भी आपकी जो ऑर्गेनिक मेन्योर है, उसकी एक 2 इंच की लेयर इस पर डाल दीजिए और हल्का सा उस पर बोन मील और नीम खली भी 1-1 चम्मच आप दे दीजिए उसमें। और आपको कुछ नहीं करना है, आपके फूल आप देखिएगा कैसे एकदम से बाहर आ जाएगी उन पे और आपकी जो टहनियाँ हैं पूरी इस तरीके से फूलों से भरनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा सावनी का पेड़ है, हमने इसकी जब फूल ख़त्म हो गए थे नवंबर में, तो इसकी सारी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब इसमें से भी आप जैसे देख रहे हैं फुटाव आने लग गए हैं ना। इसी तरह से ये पेड़ है कनेर का, इसकी भी हमने हार्ड प्रूनिंग की थी, फुटाव आने लग गए हैं। एक बात ध्यान करने की दोस्तों ये है कि जिस तरह से ये ड्राई ट्विग है, अब इसमें ये डेड है बिल्कुल, तो इसको हम लोग बिल्कुल इनकरेज नहीं करेंगे और हमेशा इसको एक सैनिटाइज्ड इससे काट देंगे। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, इसका जो हेड है ये बिल्कुल सूख गया है, यहाँ से फुटाव नहीं आएगा, तो इसको भी हम लोग, ये भी नीचे सूखा हुआ है, तो यहाँ से काट लेंगे दोस्तों ये इस तरह से। और काटने के फौरन बाद हम इसके ऊपर किसी भी फंजिसाइड का प्रयोग कर देंगे, लगा देंगे। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जिस तरह से हमने बोगनविला में किया है, कि इसको हम 2 इंच मिट्टी निकाल के उसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो आपकी रूट्स हैं, ये जो ऊपर आ गई हैं, ये भी थोड़ी थोड़ी कट जाएंगी, कोई बात नहीं है, मेन टैप रूट जो है वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। तो इसकी भी हम 2-2 इंच मिट्टी निकाल के और उसी तरह से ट्रीटमेंट, कंपोस्ट का बोन मील नीम खली वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको हम पूरी धूप में रखेंगे, क्योंकि ये धूप में ही फूल देंगे हमको। फ्रेंड्स, ये मेरा शहतूत का पौधा है,
और 2 साल से इसमें खूब अच्छे शहतूत आ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक भी इस समय इसमें पत्ती नहीं है। तो मैंने क्या करा कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है और वही 2 इंच मिट्टी निकाल के वही ट्रीटमेंट दिया है, वर्मी कंपोस्ट और बोन मील नीम खली का। तकरीबन मैंने ये ट्रीटमेंट दिया था इसमें 10-15 दिन पहले, और अब आप देखिए पत्तियां तो कम है लेकिन इसमें ये फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। ये देखिए शहतूत इसमें लगने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे, इसमें वो छोटे वाले काले शहतूत आते हैं। एंड आप भी अगर इस तरह से करेंगे तो पत्तियों के आने से पहले आपके फल आने शुरू हो जाते हैं, कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। इस तरह से हमें अपने पौधों के लिए मिट्टी तैयार करनी है कि मौसम के साथ साथ आपको फल मिलने शुरू हो जाएं। दोस्तों ये नींबू का पेड़ है और इसमें भी आप देख रहे हैं पत्तियां बहुत कम हैं, क्योंकि नींबू के बाद जब ख़त्म हो गए थे हम लोग ने दिसंबर में अधिकतर सब प्लकिंग कर ली थी तो पत्तियां इसकी शेड हो गई थी। ये गमला आप देख रहे हैं करीब 18 इंच का गमला है और इसमें मैंने पोटाश और वर्मी कंपोस्ट के संग संग नीम खली बोन मील भी डाला था, और कुछ भी मैंने इसमें नहीं दिया है। खाली मैं इसमें देती हूँ पोटाश बनाने के लिए, आपको कई बार बताया है कि बनाना टी और अनियन का पानी जो हम लोग 2-3 दिन रख के देते हैं। और इस समय आप देखिए पत्तियाँ बहुत कम हैं, टहनियाँ ही हैं और फूलों से भरा हुआ है ये गमला पूरा। हर ब्रांच पे आपको छोटे बड़े हर जगह आपको ये फूल नजर आएंगे। और एक बात खास इसमें ध्यान रखने की है, अब आप इसमें पानी कम कर दीजिएगा। जब आपके फूल बनने लग जाते हैं, खिलने लग जाते हैं, तो इसमें हम लोग पानी बहुत कम डालते हैं, बस इतना डालते हैं चूंकि गमले में है कि मॉइस्ट रहे, फूल झड़ ना जाए। वैसे तो प्रकृति का नियम है कि फूल आधे झड़ ही जाते हैं, लेकिन पानी रेगुलर देना तब शुरू करना चाहिए नींबू के पौधे में जब आपके जो फल हैं वो एक मटर के दाने के बराबर सेट हो जाएं, तब आप इसमें रेगुलर पानी देना शुरू करें। दोस्तों आते हैं गर्मियों की सब्जियों के ऊपर, तो आपने अगर अभी तक बीज नहीं डाले हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा हम लोग जो अर्ली वेजिटेबल्स होती है ना वो हम लोग नहीं ले पाते हैं, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं ज़्यादा। तो मैंने तैयार कर ली थी अपनी पौध, अब मैंने इसको लगा दिया है अपनी क्यारी में, जिसमें आपने देखा है मैंने प्याज सलाद और टमाटर वगैरह लगाया है, आपने मेरे पिछले वीडियोस में चेक किया होगा। तो उन्हीं के बीच में अब मैंने अपने गर्मियों की सब्जियां लगा दी हैं, कद्दू लगाया है, घिया लगाई है और तोरी लगा दी है, क्योंकि जब तक ये प्याज निकल के जाएगी और ये मेरा लेटस निकलेगा तब तक मेरी ये जो बेलें हैं, ये देखिए ये कद्दू की है, ये इनके बीच में ये एक इधर लगाई है, प्रत्येक के मैंने 2-2 लगाए हैं। ये जब तक ये प्याज तैयार होएगी निकलेगी ये बेलें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है मेरा नो टिल गार्डन है और मैं इसमें जो जड़ें हैं उनको नहीं निकालती हूँ, वो उसी में बनी रहती हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैंने इसमें टॉप ड्रेसिंग कर दी है तो खाद पर्याप्त है, अभी मुझे इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझको नमी बना के रखनी है। तो ये देखिए इधर ये टमाटर के बीच में ये घिया लगी है ये, और अगर आप दिखा सकें तो ये इधर तोरी लगी है, ये देखिए ये तोरी लगी है। इसी तरह से आगे भी मैंने बीच बीच में सब्जियां लगा दी हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि टेरेस में हम लोग को जगह की बहुत कमी हो जाती है, तो कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां कैसे लें, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है हम उसका सदुपयोग कैसे करें, ये हमको निरंतर सोचते रहना पड़ता है। तो आप भी अगर इस तरह से प्लान करके अपनी सब्जियां लगाते रहेंगे तो आपको लगातार पूरी क्रॉप मिलती ही रहेगी, जाड़े की ख़त्म होंगी और गर्मियों की सब्जियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। गमलों में, बड़े गमलों में आप खीरा और ककड़ी इत्यादि लगा सकते हैं, बाकी आप इनमें भी लगा लीजिए, तो
अच्छा रहेगा। आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों मेरा ये प्रयोग जो मैं कर रही हूँ, तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईट योर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, बी हेल्दी, बी सेफ, गुड बाय।